हेलो एवरीवन, साइनाज किचन में आप लोग को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाली खीर की रेसिपी। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 1 लीटर दूध यानी मिल्क, राइस 100 ग्राम, 50 ग्राम चीनी, किशमिश, काजू, आलमंड, छोटी इलायची, लौंग, कुटी हुई इलायची। तो प्रोसेस शुरू करने के पहले मैं ऑन करती हूँ गैस, फिर एक पैन चढ़ाती हूँ। पैन थोड़ा गर्म होने दीजिए। देखिए पैन गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल, थोड़े ऑयल ऐड करती हूँ। उसमें छोटी इलायची 2, लौंग, ये मैं डाल दे रही हूँ। ये थोड़ा चढ़कने लगे, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ, काजू भी। ये थोड़े हल्के ब्राउन हो जाएंगे, गुलाबी कलर के हो जाएंगे। फिर इसमें मेरा जिस मिल्क को मैंने आटा कर रखा था उसे मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। साथ ही साथ ये थोड़ा बॉयल होने दीजिए, इसमें फिर शुगर ऐड करेंगे। ये करीब 50 ग्राम शुगर है। ये तो पहले से ठीक है ये मिल्क, मैं इसे और थोड़े कर रही हूँ इसलिए कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाली हूँ। इसलिए फिर से किशमिश भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स ये सब पड़ चुके हैं। थर्ड प्रोसेस होते हैं, ये भीगी हुई चावल को मैं क्रश करूंगी। बस एक बार ग्राइंडर चलानी है। बस हो गए। फिर से इसे देखिए, ये क्रश हो चुके हैं। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इस तरह मिल्क में ऐड करनी है। देखिए कितने ठीक हो चुके हैं। इसे मैं साथ साथ चलाते रहेंगे, मैं तो गांठ बन जाती। थोड़ा फ्लेम को तेज कीजिए। इसे फिर से और एक बार पकने दीजिए। और एक बार पकाना है। देखिए ये हो चुकी है। देखिए ये हो चुकी है। अब इसमें हम कुटी हुई छोटी इलायची को ऐड करते हैं।
ऑफ कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए ये तैयार है। ये खीर बहुत जल्दी बनती है, 10-15 मिनट के अंदर। और आप इसे जब बनाकर खाएंगे तब जानेंगे कितनी टेस्टी है। और ये वीडियो जब आप लोग को पसंद आई तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।